भिलाई में मजार पर चला बुलडोजर, करोड़ों की जमीन पर बना था मजार, करबला कमेटी ने किया विरोध। कई राज्यों में अवैध रूप से अतिक्रमण हटाने का काम प्रशासन की ओर से चल रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ में एक अवैध मजार को गिराया गया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कुछ ही सेकंडों में जमीन पर बने अवैध मजार, दुकान, शादी घर को बुलडोजर से आज गिरा दिया गया। इसको तोड़ने के लिए 10 बुलडोजर लाए गए। ये भिलाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई बताई जा रही है। देखिए सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ के भिलाई में नगर निगम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। नगर निगम ने मस्जिद के नाम पर किए गए अवैध कब्जे को तोड़ने का काम आज सुबह ही शुरू किया। वहीं टीम ने मजार को ध्वस्त किया और इसी के साथ अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों और शादी भवन को भी बुलडोजर से तोड़ा गया। इस मामले में निगम अफसरों ने बताया कि जो भी गैर धार्मिक कब्जा है उन सभी को तोड़ा जाएगा। इससे पहले इन्हें नोटिस भी दिया गया था, लेकिन इन्होंने नहीं हटाया, इसलिए कार्रवाई अमल में लाई गई। तो वहीं दूसरी ओर करबला कमेटी ने इस कार्रवाई को गलत बताया है और इसका विरोध जताया है। कमेटी ने कब्जे को सही बताया। कमेटी का कहना है कि ये कब्जा सैलानी दरबार के नाम पर किया गया है। बताया जा रहा है कि अवैध कब्जे को लेकर हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिनों में फैसला लेने का वक्त दिया था और इसके बाद ही निगम आयुक्त ने 3 दिन पहले नोटिस चस्पा कर कब्जा खाली करने के लिए कहा था। तो वहीं सोमवार को यानी कि आज इस पर बुलडोजर कार्रवाई हुई और अवैध मजार को धराशायी कर दिया गया। इतना ही नहीं, अधिकारियों ने यह भी जानकारी दी कि उनके नोटिस देने के बाद भी अवैध कब्जा नहीं हटाया गया। यहाँ कई साल से अवैध कब्जा करके मजार, दुकान, मकान समेत कई चीजें चलाई जा रही थी, जिसे तोड़ने के लिए 10 बुलडोजर, 30 डंपर और 2 चेन माउंटर से काम लिया गया। बता दें कि अब तक की भिलाई में सबसे बड़ी कार्रवाई है। तो वहीं देखना होगा इस मामले में आगे और क्या क्या अपडेट सामने आती हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।